ब्रेकफास्ट तो हो गई है हमारी मॉर्निंग, और अभी जल्दी से चलते हैं। मैं झाड़ू और पोछा मैंने कर लिया है, फ्री चाय भी मैंने पी ली है। अभी लंच मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि लेफ्ट ओवर है। रात को चिकन और नान बनाया था मैंने, तो बस वो रखा है। रात को मसाला चिकन बनाया था, बस वो खाऊंगी। उसे गर्म करते हैं और थोड़े से बर्तन हैं उसे क्लीन करते हैं और आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं। काम चले गए, गेट मैंने लीज कर लिया है। चलिए अब आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरा होम पूरा क्लीन हो गया है टोटल। और कपड़े धोने वाली आंटी आई थी, वो भी कपड़े धो के चली गई हैं। अब कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। ऐसे बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे। अब मैं आपको बात किसी बात पे आपको कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। तो ड्रीम मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे बहुत बड़े बड़े हैं। सोचती मैं बहुत कुछ हूँ, पास में कुछ है नहीं, फिर भी अल्लाह ताला है बस। और अपनी दुआएं हैं जो बहुत सारी, ढेर सारी दुआएं हैं जो अल्लाह ताला से मांगती रहती, क्योंकि अल्लाह कहता है जितना अपनी सोच से बढ़ के मांगो, अपने हर ख्वाहिश जितनी, क्योंकि मांगने में अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है तो अल्लाह को बहुत खुशी होती है। हाँ, ये अल्लाह से उम्मीद रखो, वो आपको देगा। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, पूरी उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मुझे देगा। मेरी हर ख्वाहिश जो भी है, जायज़ तमन्ना, पूरी करेगा। ये शिंक देखिए, ये मुझे डेली वॉश करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर है ना, मैंने आपको बताया था हार्ट वाटर की प्रॉब्लम है, तो ये वाइट वाइट इस तरह से हो जाता है। हाँ, तो फिर मैं आपको क्या बता रही थी कि ख्वाहिश रखनी चाहिए, उसके पूरे होने की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सब्र भी करना चाहिए कि अगर वो हमें जहाँ तक बार बार मांगने के बाद ना मिले, तब हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमारे लिए सोचा है वो हमारी किस्मत में नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ख्वाहिश ही ना करो, नॉर्मल सी लाइफ जीते रहो और आपको सब्र करना, तो वो सब्र नहीं है, वो बुजदिली होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सपने देखने का हक दिया है, मांगने का हक दिया है, सोचने का हक दिया है, सब कुछ दिया है, बस उसको जायज़ तरीके से आपको मेहनत करके पाना है। तो मेरी तो है तमन्ना बहुत कुछ, और मैं अपने आप में सोचती भी हूँ कि मुझे ये चाहिए, वो बनना, ये करना है। क्योंकि देखिए, लाइफ का कोई, ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं है, और जब तक आप सोचोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये वाटर से फ्रिज की, तो मैं इसी से पानी डालूँ, और देखिए क्लीन हो गया, लेकिन ये डेली वॉश करना पड़ता है। तो बस सोचो अपने लिए, अच्छे से अच्छा सोचो, अपने बच्चे के लिए सोचो, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि उस पर किसी की बाउंडिंग नहीं है। अल्लाह से खूब दुआएँ मांगो और खूब मेहनत करो, कि जब आप मेहनत करोगे तो आपका माइंड उस तरह का बन जाएगा और आपको लगता है कि यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, एंड हो गया। तो एंड कुछ भी नहीं है, एंड तभी है जब लाइफ का एंड है, वही ख्वाहिशों का एंड है। तो बस यही है, और मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। तो सब्र करो, बेशक जब ना मिले तो उसके बाद, लेकिन फिर भी अपनी दुआओं को, अपनी ख्वाहिशों को कंटिन्यू रखो। तो ये थी मेरी छोटी सी थिंकिंग, और आज मैंने वीडियो थोड़ा सा शूट करना है। मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है क्योंकि रमज़ान के बाद मैंने बिल्कुल नहीं की है। और ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ अपना वॉशिंग, ये वॉशिंग एरिया है मेरा, ये पूरा ऊपर से जो पानी यहाँ से टपक रहा है फ्लैट के फर्स्ट, मतलब टेरेस पे से आ रहा है ये पानी, सब टपक टपक के सब सीलन से ख़राब हुआ है। और जो कपड़े धोने वाली आंटी आती है वो कपड़े धो के वहाँ लगा के चली जाती हैं, फिर मैं उसे सुखा देती हूँ। और ये डस्टबिन वो धो के गई हैं, डस्टपैन भी वो धो के गई हैं, सब यहाँ से बाहर से क्लीन करके गई हैं, और अंदर से मैंने क्लीन किया है टोटल घर। तो ये है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बड़े सपने ना देखो, कुछ मिलता नहीं उसमें सब्र करो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे जो उम्मीद अल्लाह से कर सकते हो, जायज़ प्लस वो जायज़ हो, उसमें किसी का नुकसान ना हो, और अपने लिए बहुत कुछ मांग सकते हो। मैं अपने अल्लाह से बहुत कुछ मांगती हूँ और हमेशा मांगती हूँ, जब तक ये लाइफ का आखिरी दिन है तब तक भी मांगती रहूँगी। और मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ। उनका जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, और जो नहीं दिया उस पे सब्र भी है।
लेकिन फिर भी ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं है और वो बढ़ती जाएगी। और अभी इंशाल्लाह मेरा प्लान था सोफ़ा लेने का और एलसीडी पड़ा हुआ है बट मैंने लगवाया नहीं, स्टैंड भी लग चुका है बट मैंने उसको हैंग नहीं। जयपुर जाने का इरादा हो रहा है और मैं आपके सामने बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी इंशाल्लाह कि मैंने सोफ़ा क्यों नहीं लिया और एलसीडी क्यों नहीं लगवाया, बताऊंगी आपको जल्दी इंशाल्लाह, शेयर करूंगी। जब तक कि कोई काम ना होता हो किसी से शेयर करने में वो वाली बात नहीं आती, जब हो जाए कन्फर्म तब वो बात आती है कि हाँ चलो अब हमारा काम हो गया, अब सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। अब मैं खाऊंगी खाना, तो बस इसीलिए मैं अभी सोफ़ा और थोड़ा मैंने थोड़ा थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया, देखते हैं क्या रहता है आगे का, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए अभी अपने लिए जो रात का चिकन है लेफ्ट ओवर रखा हुआ है वो मैं गर्म कर दूंगी और एक नान बनाऊंगी अपने लिए। ये देखिए ये नान का आटा है, तो अपने लिए एक नान बनाऊंगी। तो अभी मेरे पास ट्राईपोड जो है वो मैं जयपुर में भूल गई थी और बस ये डो है मैंने ले लिया एक नान का और गैस मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि ट्राईपोड से पूरी वीडियो शूट होती है अच्छे से बट इससे अच्छे से हो नहीं पाती है। रोटी बनाने वाला मेरे पास रखा हुआ है पत्थर का लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, मैं इसमें ही बना लेती, इससे आराम से इसी वे में कितनी भी साइज़ बनाओ आराम से बन जाती है, प्लस रोटी की जो डस्टिंग है वो आराम से हो जाती है। तो यही है कि जिन लोगों की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है वो बोलते पूरा सब्र करो बस जो है उसमें गुजारा करो, वो तो आपको करना ही है क्योंकि आपको अगर नहीं मिल रहा तो आपको किसी का घर नहीं लूटना है, लेकिन अपने लिए ख्वाहिशें रखनी है, दुआ करना है, बेशक वो आपका हक है। और देखो ना भी मिले तो शायद उस उम्मीद के पूरी रहते हुए हमारी लाइफ निकल सकती है अच्छे से, इस उम्मीद पे कि शायद मिलेगा। तो जो है उसमें सब्र करना है, लेकिन बस कुछ मांगो ना, बस ऐसे ही जीते रहो, ये कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है ना उन लोगों की लाइफ भी बेरंग सी हो जाती है पूरी, जिनका कोई मतलब नहीं होता बस वो। तो जो मेरी ये बात थी आज की उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि बस जो भी है जिसमें सब्र करो अब क्या है, देखिए सब्र तो एक अलग चीज़ है और इंसान को अपनी लाइफ को अच्छे से जीना वो एक अलग चीज़ है। तो बस ये तो मैं यहीं अपना जो भी होता है रोटी पराठा यहाँ बना लेती हूँ, उसके बाद जो ये बेलन है मैं डेली वॉश कर लेती हूँ। और ये जो है मेरा, मुझे गैस का चूल्हा भी लेना था पर सारी चीज़ें मैंने अभी एकदम से पोस्टपोन कर दिया, मुझे अभी कुछ भी नहीं लेना है, उसका कुछ रीजन है। तो मैं आपके साथ जरूर इंशाल्लाह शेयर, आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें कि जो भी मेरी तमन्ना है जो मैंने सोचा है जल्दी से पूरा हो जाए, उसमें कुछ भी अड़चन ना आए, बाकी अल्लाह की मर्जी है, मुझे इस हाल में रखेगा उस हाल में खुश रहना है और बस उसी से मांगना है और उसी से बहुत ज़्यादा दुआ करनी है ताकि हमारी सारी जायज़ तमन्ना पूरी हो जाए। तो ये कोरमा मेरा गर्म हो चुका है अच्छे से और ये नान मेरा यहाँ बन रहा है। एक हाथ से फोन पकड़ना दूसरे हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। बस ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी हूँ मैं अभी और अभी खाना वाना खा के मुझे करनी है पढ़ाई। जोहर का टाइम हो चुका है, जोहर के टाइम के बाद मैं करूँगी पढ़ाई, मेरा एग्ज़ाम है, मुझे उस एग्ज़ाम को देने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है क्योंकि बार बार मुझ में वीकनेस आ जाती है, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लेज़ी हो जाती हूँ, बट फिर खुद को ही अपने आप को पुश करती हूँ कि नहीं मैं अगर इस तरह से बैठ जाऊँगी तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, तो मुझे जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ सोचा है अपने लिए वो आगे तक इंशाल्लाह डन करना है और आगे तक जाना है। तो यही है बस। और ये देखिए, अच्छा एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो नान मैं बना रही हूँ ये मैदे के नहीं हैं, क्योंकि देखिए नान तो यहाँ रोज़ डेली एक दिन छोड़ के एक दिन खाए जाते हैं
तो मैं डेली मैदा नहीं खा सकती, ना ही मैं अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को खिला सकती हूँ। तो मैंने कल आटे में यीस्ट डाल के और यीस्ट ऑयल और थोड़ा सा बेकिंग सोडा पाउडर डाल के मैंने ये नान तैयार किया है। और बटर अभी मैं कुछ दिनों से बड़ा वाला नहीं मंगा रही, मैं छोटे छोटे जो ये आता है ये बड़ा वाला पैकेट मैंने मंगा लिया, क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर फ्रिज में रखते हैं तो फिर वो उस तरह से हो जाता है और ये मेरे लिए ठीक रहता है। मैं वन टाइम वन यूज़ करके और इसे फ्री हो जाती हूँ। तो मुझे बटर का बहुत ज़्यादा शौक है और घी भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी गाय का और घर का बना हुआ जो मैं खुद बनाती हूँ मलाई जमा के। और ये मेरी नान तैयार है और ये है मेरा कोरमा जो मैंने कल बनाया था। ये इस तरह का पैकेट्स मैं मंगा देती हूँ ताकि इससे क्या होता है कि बड़ा बटर जो किट होता है बार बार लीक, बाहर रखते तो लीक होता है, अंदर रखते तो बहुत टाइट हो जाता है, तो फिर मैं उसे हैंडल नहीं कर पाती। तो मैं ये अंदर ही रखती हूँ, लेकिन जब मुझे जिस वक्त यूज़ करना पड़ता है मेल्ट करने, जैसे बटर टोस्ट में खाती हूँ ज़्यादातर, तो मैं एक पहले से एक घंटा पहले बाहर रख देती हूँ, मेल्ट हो जाता है, वो ईजीली यूज़ कर सकती हूँ फिर मैं उसे टोस्ट पर लगा के। और चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।